हेलो दोस्तों, नमस्कार। दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान चैनल में सभी दोस्तों का मैं विजय स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बजीज पैरट के चिक्स क्यों मर जाते हैं, उन्हें हम मरने से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, आप सभी के पास ऐसा होता होगा कि बजीज पैरट के चिक्स निकलते हैं और वो मरते जाते हैं। दोस्तों, फीड भी उन्हें अच्छे से मिली हुई है, लेकिन फिर भी दोस्तों वो मर जाते हैं, तो उसकी क्या वजह है? दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? तो यही आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, और साथ में दोस्तों आपको दिखाऊंगा भी, मैं लाइव आपको दिखाऊंगा एक वो वजह जिसकी वजह से चिक्स मरते हैं। आज मैं मटकियों को चेक कर रहा था अपनी कॉलोनी की, तो मैंने एक मटकी में देखा कि एक चिक्स की कंडीशन ऐसी थी कि अगर मेरी नज़र उस पर नहीं पड़ती तो वो ज़रूर एक्सपायर हो सकता था। दोस्तों, वो वजह उसके मरने की बन सकती थी, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, और एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह हमारे में उन सभी भाइयों से करूंगा जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वैसे चिक्स मरने की बहुत सी वजह होती है, उनमें से ही एक वजह है गर्मी। ब्रीडिंग सीजन जब स्टार्ट होता है तो हम लोग इनकी ब्रीडिंग के लिए इनको मटकियाँ या बॉक्स अगस्त या सितंबर माह में देते हैं। उस समय ब्रीडिंग के लिए टेम्परेचर काफ़ी सही हो जाता है, इतनी गर्मी नहीं होती कि इनकी ब्रीडिंग पे उसका कुछ असर पड़े या बच्चे मरते हुए हमें देखने को मिले गर्मी की वजह से। लेकिन दोस्तों, बात मैं इस ब्रीडिंग सीज़न की करूँ तो आज की डेट की बात करें तो अक्टूबर माह चल रहा है, इस अक्टूबर माह में भी इस बारी इतनी गर्मी देखने को मिल रही है कि हमारे काफ़ी भाइयों के यहाँ बच्चे मर रहे हैं। दोस्तों, मेरे यहाँ भी दोस्तों अंडे ख़राब हुए हैं, लेकिन अब ऊपर वाले का शुक्र है कि ब्रीडिंग अच्छी चल रही है, बच्चे निकले हैं और बच्चे भी अच्छे से पल रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात, मेरे यहाँ जो वेंटिलेशन है दोस्तों बहुत ही प्रॉपर तरीके से है, हवाएं इतनी आती है, इतना खुला माहौल मैंने दे रखा है कि बर्ड्स वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जहाँ भी आप कॉलोनी बना रहे हो, अपने केज को रख रहे हो, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर ब्रीडिंग चालू है, मटकियों में चिक्स हैं और गर्मी हो रही है, तो मटकियों के ढक्कन जो हैं वो थोड़ा सा ऊपर से आपको टेढ़ा कर देना चाहिए ताकि ऊपर से भी वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, अंदर मटकी में हब्स पैदा ना हो। कई बार मटकी में बीटें होती है तो उसकी वजह से हब्स पैदा हो जाती है, तो ढक्कन को तिरछा रखिए और मटकी को भी आप रेगुलर चेक करते रहें। आपको लगे गंदगी ज़्यादा हो रही है तो उसको साफ़ करते रहें, इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। गंदगी नहीं रहनी चाहिए, गंदगी से कई बार मटकियों में गंदगी ज़्यादा होती है तो चिक्स को आई इन्फेक्शन भी लग जाता है, तो मटकी साफ़ करते रहें। और अगर आपके सेटअप पे डायरेक्ट धूप आती है तो उससे भी आपको बचाना पड़ेगा अपने बर्ड्स को, जिससे टेम्परेचर काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहे और बर्ड्स जो मेल फीमेल है अपने बच्चों को अच्छे से पाल पाए, खुद वो अच्छे से दाना पानी जो भी सॉफ्ट फूड हम देते हैं वो अच्छे से खाएं और अपने बच्चों को भी अच्छे से पाल ले। अब दोस्तों, एक और वजह जो होती है बच्चे मरने की, तो इस मटकी में मैं आपको दिखाता हूँ। इस मटकी में आप देखिए, दो चिक्स बड़े हैं और दो छोटे हैं, और एक बिल्कुल ही छोटा है। दोस्तों, डिफरेंस आप सभी के सामने है, एक छोटा सा चिक्स जो है वो पीछे है, जो कि आज या कल में ही निकला है। दोस्तों, तो अब ये छोटा सा चिक्स है दोस्तों, अब होता ये है कि कई बार ये बड़े बच्चों के नीचे दब के मर जाते हैं। दोस्तों, इतने छोटे जब बच्चे हो जाते हैं तो वो नीचे दब के मरते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इनको फीड नहीं मिल पाती, भूख के चलते भी ये मर जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि बड़े चिक्स जो होते हैं वो जल्दी फीड लेते हैं और छोटे बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से चिक्स मरते हैं। अब दोस्तों, इन्हें मरने से हम लोग कैसे बचा सकते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोग किसी ऐसी मटकी में शिफ्ट कर दें जहाँ पे उसी की साइज़ के बच्चे हों, तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, मैं खुद
दोस्तों यही करता हूँ, हर एक दो दिन में मटकियाँ तो मैं डेली चेक करता हूँ, लेकिन जहाँ पे कुछ छोटे बच्चे निकलना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फीमेल 6-7-8 अंडे देती है, तो 6-7-8 दिन का भी डिफरेंस होता है उन अंडों और बच्चों के बीच में, जब पहला बच्चा निकलता है और आखिरी अंडे में से बच्चा निकलेगा तो वो उन दिनों का डिफरेंस उनमें भी रहेगा। तो इससे हम लोग कैसे बच पाएंगे, जो चिक्स छोटा है, सबसे छोटा, उसको हम लोग दूसरी मटकी में शिफ्ट कर देंगे। तो अभी मैं आपके सामने ही इस बच्चे को निकालूंगा और एक दूसरी मटकी में मैं शिफ्ट करूंगा। और अंडों के छिलके भी आप देख रहे हैं, तो हमें ये भी बाहर निकाल लेने चाहिए। तो अभी मैं ये निकाल दूंगा। सबसे पहले मैं इस बच्चे को निकालूंगा, पहले देख लेता हूँ इनके नीचे और बच्चे तो नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी सारे अंडे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे बिल्कुल बड़े हैं, 2 उनसे थोड़े छोटे हैं, लेकिन ये एक जो है बिल्कुल ही छोटा है। दोस्तों डिफरेंस साफ आपको नज़र आ रहा है, अभी मैं इसको बाहर निकाल के भी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो ये भी दोस्तों आपको करना आना चाहिए। ये तब होगा जब आप अपने बर्ड्स की मटकियों को चेक करते रहेंगे। चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, रोज़ आपको एक बारी तो ज़रूर मटकियों को देखना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, अब इस मटकी में देखते हैं बच्चे बड़े हैं, इस मटकी में छोटे हैं, लेकिन ऑलरेडी इसमें 4-5 बच्चे हैं। तो और मटकी में हम लोग देखेंगे, तो इसमें तो छोड़ते हैं इसको, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एक सबसे छोटा है, और भी बच्चे निकलेंगे। तो यहाँ हम लोग इस बच्चे को शिफ्ट कर देंगे। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ, डिटेल में आपको बताऊँ कि शिफ्ट कैसे किया जाता है। अभी मैं आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ कि छोटी साइज़ 1 साइज़ के बच्चों को देखकर आप शिफ्ट कर दें, जैसा कि मैंने किया है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी दोस्तों ये अंडा देखिए, मैं इसको निकालता हूँ, ये अंडा ख़राब है, और 2 अंडे जो मुझे अंदर दिखाई दे रहे हैं, 2-3 अंडे, मुझे लगता है कि वो भी ख़राब ही हैं। मैं अभी चेक कर लूँगा, फ़िलहाल ये एक अंडा मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये ख़राब है, और भी देख लेंगे, अगर उनमें से सही भी अंडे होंगे और चिक्स निकलते हैं तो फिर इधर उधर कर देंगे, क्योंकि काफ़ी मटकियों में चिक्स अभी निकल रहे हैं, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, हम कभी भी किसी भी मटकी के बच्चे को इधर उधर शिफ्ट कर देंगे। तो अभी 4 बच्चे हैं, तो ये फीमेल अच्छे से इनको पाल लेगी दोस्तों, और बच्चे हमारे बच जाएंगे, नहीं मरेंगे, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो अभी दोस्तों मैं आपको उस मटकी में लेके चलूँगा। मैं आज अपने सभी मटकियों को चेक कर रहा था, तो मेरी नज़र उस बच्चे पर पड़ी, तो अभी मैं आपको वो बच्चा दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप अच्छे से अपनी बच्चे जिस मटकी में हो, तो अच्छे से बच्चों को के ऊपर नज़र अच्छे से रखें। तो दोस्तों ये वो बच्चा है, और इसकी कंडीशन आप देखिए, काफ़ी ये वीक लग रहा है दोस्तों। तो अब ये वीक क्यों लग रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसकी वेंट देखिए, फोकस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोस्तों फ़ोन मेरे हाथ में ही है, अब मुझे आपको अच्छे से दिखाना पड़ेगा। तो इसकी आप वेंट देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जो बीट है वो बिल्कुल सख्त तरीके से चिपकी हुई है। तो मैं यहाँ पे फ़ोन को मुझे रख कर अच्छे से आपको दिखाना पड़ेगा, तो स्टिक पे मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे पूरी वेंट इसकी देखिए आप, और ये देखिए, ये आप सभी के सामने हैं दोस्तों, ये हटाते ही जो है अंदर की जो बीट है वो पूरी बाहर आई। अगर ये मैं नहीं हटाता, तो आप जानते हैं कि जब वो बीट नहीं कर पाएगा, अपनी पूप्स को रिलीज़ नहीं कर पाएगा, पेट की गंदगी को बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसकी क्या हालत हो रही होगी। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि चिक्स मरे हुए मिलते हैं, उनका पेट फूला हुआ रहता है और क्रॉप भी एकदम हवा भर जाती है। तो ये वजह है दोस्तों, हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता,
गंदगी चिपकी होती है हमें वो नॉर्मल लगता है, लेकिन दोस्तों आपको इस पर अच्छे से ध्यान देना है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसकी वजह से जो है ज़्यादातर चिक्स मरते हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी भाई जिनके पास जानकारी नहीं है वो इस चीज़ को देख ही नहीं पाते, इसके ऊपर नज़र ही नहीं जाती दोस्तों। ये आपको दोस्तों बहुत कम ऐसा कभी आपको देखने को मिला होगा या किसी ने बताया होगा, हालांकि मैंने कई वीडियो में इसका जिक्र किया है, पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज आपके सामने लाइव मैंने दिखाया है। पहले तो मैंने बोला ही था और आज मैंने आपको लाइव आपके सामने दिखाया कि जब मैंने इसकी बीट हटाई तो अंदर से कितनी आपको बीट बाहर आती हुई देखने को मिली। आप सभी समझते हैं कि इसको अगर नहीं हटाया जाता तो ये अंदर की गंदगी को कैसे बाहर निकालता, तो जाहिर सी बात है इसके पेट में गैस बनती, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती और ये मरता बच्चा। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं क्या इसकी कंडीशन थी, और इस मटकी का ये बच्चा है, इसमें ऑलरेडी दो बच्चे हैं। फिलहाल इस बच्चे को रखते हैं मटकी के अंदर और आगे अपडेट आपको मिलती रहेगी इस बच्चे की भी। तो इन सब बातों का ख्याल रखकर हम अपने सेटअप में बजीज पैरट के जो चिक्स मरते हैं उन्हें मरने से बचा सकते हैं, और ये सब होगा दोस्तों मटकियों को चेक करने पर। अगर आप डेली एक बारी आप अगर मटकियों में बच्चे हैं, ब्रीडिंग आ गई है, तो रोज़ाना ज़रूर मटकियों को देखें। इससे क्या होगा, कहीं भी किसी भी मटकी में कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो तुरंत आप उस प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देंगे और चिक्स मरने से बच जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।